बहादुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानोमाल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। मैं उम्मीद से हूं। तुम क्या मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझती हो? हाँ, अलपरगू ने मुझे इस तरह से खंजर मारा कि मैं अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। ये भी आपकी साजिश होगी बाजी। मैं शदीद नफरत करती हूँ आपसे। उस कबाइल के इस्तेमा में रवाना होने से पहले कल तुम दोनों का निकाह पढ़वाना चाहता हूँ मैं। मेरे भाई अर्तुरुल और हलीमा सुल्तान के निकाह की खुशी में मेरी तरफ से और अय्यूबी सल्तनत की जानिब से कुछ ताहिफ हैं। अगर आप इसे कबूल कर लेंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की नस्ल के लिए बायस फख्र होगा। मुझे रब ने तुम्हें सही सलामत अता किया तो मैं तुम्हें बाबा के हवाले कर जाऊंगी। मुझ जैसी गुनाहगार औरत ईमानदार बाप की औलाद को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी कैसे अदा कर सकती है मेरे बच्चे? लेकिन ये बात हमेशा याद रखता कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है। दुनिया से जाते हुए अल्लाह को याद करते करते तुम्हारा नाम मेरे लबों पर होगा मेरे बच्चे। इस माँ को माफ कर देना मेरे बच्चे, बहुत गुनाहगार हूँ, माफ कर देना। हाजिर हो सकता हूं बाबा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। आपने मुझे याद किया, बैठ जाओ बेटा। हम तुमसे सलजान के बारे में बात करना चाहते हैं। जब सलजान ने अपनी तमाम खताओं का एतराफ कर लिया था तो तुमने उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया, यहां तक के तुम उसे तलाक देने पर भी आमादा हो गए। उसके बाद तुमने हमसे वक्त मांगा क्योंकि तुम फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब काफी वक्त बीत गया है। अब क्या फैसला किया तुमने?
बाबा, वालिदा, सलजान से मैंने तलाक का 2 बार कहा और जब मैं उसे 3री बार कहने लगा तो खंजर निकालकर उसने मेरे हाथ पर रख दिया और इसरार करने लगी कि तलाक देने से बेहतर है कि मैं उसे मार दूं। मैं तो अपने होश ही खो बैठा। मगर कोई फैसला तो करना होगा तुम्हें। इस बारे में आपकी क्या राय है? सलजान बुराइयों से तौबा करके नेकी की राह पे चल पड़ी है, उसको एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए तुम्हें। भाई आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। आपके शायन शान तो नहीं लेकिन हमारी मोहब्बत है, कबूल कीजिए। ये तोहफा जो तुम तीनों ने मुझे दिया है मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। हम साथ बड़े हुए, एक साथ तलवार उठाई और एक साथ तलवार चलाना सीखा, वार से शिकार करना, आम आदमी से सरदार बनना तुम लोगों से सीखा है मैंने। जिंदगी में हमेशा तुम लोग साथ रहे मेरे। अगर मैं सरदार बना तो फख्र होगा कि तुम जैसे लोगों का सरदार हूं मैं, जो जाबाज और बहादुर हैं। अगर मैं सरदार बना तो यकीन करो कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। भाई अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, दुनिया की हर खुशी आपका नसीब बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तुरकत, बहुत शुक्रिया। हलीमा सुल्तान और आप खुश रहे हमेशा भाई। बहुत शुक्रिया दुआन। तुम्हें क्या हो गया बमसी? आपकी शादी का बड़ा दुख है इसे। मैं परेशान हूं भाई। मैं समझता था तलवार आपकी महबूबा है और घोड़े आपकी औलाद, लेकिन अब ये सब कुछ देखकर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। भाई ये मेरी बहन हलीमा सुल्तान के लिए। कीमती है? कीमती है भाई। बहुत अच्छा। अल्लाह राजी हो आपसे, सिकंदरी आता हो, सदा खुशियों में खेले। और क्या कहूं, बहुत बहुत सारे बच्चे हो आपके, 3 हो 5 हो 8 हो, अल्लाह देता जाए और आप लेते जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिकर नहीं करो बमसी, बानो जीजे के कबीले से तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो दुआन? मुझे नहीं करनी शादी, अपने लिए ढूंढो जाकर। नहीं करनी मुझे, मुझे नहीं करनी शादी। ये वाकई बहुत जज्बाती है।
पता है ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है? ताकि मैं उस पे कुर्बान हो जाऊं जिस बहादुर से मेरी शादी होगी। और क्यों लगाई जाती है? ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर को रख सकूं। और जब मेरा शौहर जंग पर जाए तो उसके हाथों पर लगा सकूं। और किस लिए? जल्दी से बताओ। ताकि हमारा कालीन का काम फलता फूलता रहे और हमारे कबीले में खुशहाली रहे हमेशा इसी तरह। सारी खुशियाँ को नसीब हो हलीमा सुल्तान, सारी खुशियाँ को नसीब हो हलीमा सुल्तान, सारी खुशियाँ को नसीब हो हलीमा सुल्तान। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया अर्तुरुल। सच तो ये है कि ममनून हूं आपका, आपने हर मोड़ पर मेरी रहनुमाई की। जब चारों जाने बंधेरा था तब आपने उम्मीद की रोशनी दी। आज अगर अपनी मोहब्बत को पाया है मैंने तो सिर्फ आपकी वजह से। खुश रहो हमेशा, हक ताला तुम्हारे कबीले को और तुम्हारी नस्लों को हमेशा रहमतों के साए में रखे। तुम्हारी अज़दवाजी हयात के समरात से पूरा आलम फैसियाब हो। बहुत शुक्रिया। निकाह के फरीजे से फारिग होकर हम नमाज फजर के बाद अलसुब रवाना हो जाएंगे फरसंद। अल्लाह ने चाहा तो आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर होगी। आपकी अमानत आपके हवाले करना बाकी है। वो अब हमारी अमानत नहीं रही, साहिब अमानत तक पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। याद है आपको जब हम जिंदान में थे, सलीबी हमारी जानों के दुश्मन बने हुए थे। आपने हमेशा मेरी हिफाजत की है एक माँ की तरह। मैं कभी नहीं चुका सकता आपके एहसानात। मेरे ख्वाबों को तकमील तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत अहम किरदार है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकती मेरे भाई। कितने बड़े हो गए हो तुम। हाजिर हो सकता हूँ? आ जाए अर्तुरुल भाई। आपको मैं अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती असासा सौंप रहा हूँ। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा अर्तुरुल भाई। आपकी नफरत दुश्मनों के लिए होनी चाहिए जबकि आपकी चाहत मेरी बाजी के लिए। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। एक हिरन ने मुझे इनसे मिलाया। उस हिरन को भेजने पर हर रोज शुक्र अदा करता हूं अल्लाह का, तो दुख कैसे दूंगा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह वो जिंदगी छीन ले मुझसे जिसमें इन्हें मुझसे कोई दुख पहुंचे। सुल्तान खातून, तुमने जो बोया वही काटा।
वक्त आ गया है यहाँ से जाने का। पता नहीं अब तकदीर मुझे कहाँ ले जाए। फैलाकर दुआ के लिए उठाएं और जो मैं कहूं वो दोहराएं। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए तौबा अस्तगफिरुल्लाह 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 अलअज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबु इलैह आमनतु बिललाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دختر نومان حليمة آپكو فرزند سليمان أرطغرل کے ساتھ 20 بھیڑوں اور 10 طلائی درہم مہرِ معاشل کے عوض یہ نکاح قبول ہے بیٹی؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے ارطغرل ابن سلیمان کیا تمہیں حلیمہ بنت نعمان معین شدہ مہر کے ساتھ اپنی زوجیت میں قبول ہے؟ قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے گواہان اس نکاح کے شاہد ہیں آپ؟ جی شاہد ہم شاہد ہیں یا اللہ اس شادی کو بابرکت قرار دے آمین یا رب کریم ہم تمام لوگ اس نکاح کے شاہد ہیں گواہ رہنا تو بھی آمین آمین اس جوڑی کو صدا قائم رکھنا آمین ان کی محبت میں اضافہ فرما اور ان کو نفاق سے محفوظ رکھنا آمین ان کے درمیان کسی قسم کی خلیج کو حائل نہ ہونے دینا آمین یا اللہ اس جوڑے کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ جیسی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی الفت اور محبت عطا فرما انہیں شاد و آباد رکھنا آمین انہیں صالح اور صحت مند اولاد عطا فرما طول عمر دے رزق میں اضافہ فرما آمین ان کی نسل کو پوری دنیا میں حاکمیت عطا فرما آمین آمین الفاتحہ پروردگار تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے میرے بچوں اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے تاکہ ہماری نسل خوب پھلے پھولے اور وقت آنے پر تمہاری نسلیں قبیلے کی ذمہ داری سنبھالیں آمین بابا خوش رہو ہمیشہ دونوں کی محبت صدا قائم رہے پورے جہان میں تمہارے نام کا بول بالا ہو اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی خوشیاں دکھائے آمین والدہ
मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। मुबारक हो मेरे भाई, माशाल्लाह, सदा शाद आबाद और खुश रहो। शुक्रिया भाई। अंदर आ सकता हूं सलजान खातून? सलजान, सलजान, ये तुमने क्या किया सलजान? सलजान,
सलजान खातून को देखा है तुम लोगों ने? अभी यहाँ से गई है भाई, कह रही थी झील की तरफ जा रही हूँ, आती हूँ अभी। सलजान, इश्क की तकमील वसल से मशरूत है अर्तुरुल। शुक्र है खुदा का जिसने वो हिरण भेजकर तुमसे मिलवाया मुझे। खुदा का शुक्र है कि उसने आप जैसे बहादुर सिपाही की बीवी बनने का शर्फ बख्शा। अल्लाह हमेशा इस रिश्ते को कायम रखे। हिजर का दुख हम कभी ना देखें हलीमा सुल्तान। आमीन। खुदा आपको उम्र खिजर अता करे, औलाद की खुशियों से नवाजे। आमीन। कबीला काई और केनिक, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। हमने दो कबीलों को एक कर दिया है आज। खुदा हमारे खानदान पर रहमतों का नुज़ूल करे हलीमा सुल्तान। सलजान, 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 मैंने कहा था तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, टाइटस कभी शिकस्त नहीं खाता। सलजान, सलजान, कुत्तों को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सलजान, बुज़दिल हो तुम, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं,
बदकिस्मती है तुम्हारी। मरने के लिए तैयार हो जाओ गुंदोग तू। गुंदोगदू फिर आऊंगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा कर रहूंगा मैं, याद रखना ये बात। गुंदोगदू माफ कर दिया मुझे तुमने, मरने से पहले एक बात कह दो कि तुमने माफ कर दिया। संभालो खुद को सेलजान, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो सेलजान, आंखें खोलो, खुदा के लिए, अपने लिए, हमारे बच्चे के लिए। भाई सेलजान खातून, तबीबा को बुला के लाओ, जल्दी जाओ, खबर करो हमें, जल्दी दौड़ के जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत से काम लो, बस अपने लिए, अपने बच्चे के लिए रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। के लिए जल्दी कुछ करो, आप बाहर जाइए सरदार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बाजी, बाजी, बाजी। नहीं, रुक जाओ, संभालो खुद को, उनको अपने काम करने दो, शाबाश, संभालो अपने आप को, शाबाश। भाई भाई क्या हुआ? टाइटस मुझे जान से मारना चाहता था लेकिन सलजान सामने आ गई। कैसी है अब ये? ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिपाही गए उसके पीछे, तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैं माफी चाहता हूं, लानत उस पर। मेरे भाई आपसे वादा करता हूं इस तकलीफ के एक एक पल का हिसाब लूंगा। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मेरा कसूर है सब। गोगजी, बाजी से मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। संभालो खुद को, ऐसी बातें नहीं करते। उसके पीछे फौरन सिपाही रवाना करो, वो मलून चाहिए मुझे फौरन। अब्दुल रहमान, जैसा आपका हुक्म भाई। गुंदोगदू, तुम कैसे हो बेटा? कैसा हो सकता हूं वालिदा, किला हासिल कर लिया लेकिन फतह अभी बहुत दूर है हमसे।
सुलेमान इस टाइटस के जिंदा रहते ये मामला अंजाम तक नहीं पहुंच सकता कभी। पहले हमारा दुनदार और अब हमारी बेटी सुलजान इंतकाम की आग में पागल हो गया है वो। अगर उसे मौका मिल जाता तो वो गुंदूकदू को जिंदा नहीं छोड़ता, वो उसके लिए बहुत आसान शिकार था। अपना जाने अगला शिकार कौन होगा उसका? सुलजान कैसी है? हालत नाजुक है उसकी, गुंदूकदू को बचाने की खातिर अपनी जान पर खेल गई। अल्लाह उससे राजी हो। जिंदगी कितनी बदल गई हायमा। सुलजान ने कहा था कि यह सब उस वक्त शुरू हुआ जब से अर्तुल हलीमा को लेकर कबीले आया था, लेकिन ये हलीमा ही थी जिसकी वजह से हम नासूरों का सफाया करने में कामयाब हो सके। हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा था, हलीमा ने अपनी जहानत से उसे उतार डाला। इंशाल्लाह इस नासूर से भी निजात पा लेंगे हम। सुलजान की तबीयत जरा संभल जाए, कबीले के लिए हमारी अमन सुकून की कोशिश जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह, और अब हिफाजत वापस आएंगे इंशाल्लाह। हायमा इंशाल्लाह, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कबीले की जिम्मेदारी संभालनी है। तुम्हारे पास मेरी अमानत हो गई है कबीला। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सुलेमान, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। चलो सफर की तैयारी करनी है। लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। सुलेमान, खिलौना मिलने वाला है हमें। सुलजान उम्मीद से है। कबीले से बाहर जाना खतरनाक होगा, इंतहाई जरूरत के अलावा कोशिश करना ना चाहो। मेरी फिक्र ना करें, सफर बहुत आम है अर्तुरुल। सरफराज लौटे ये दुआ है मेरी। उस काफिर के दिए हुए जख्म को सोचकर आज भी कांप जाता हूं मैं। उस वक्त कैसे तुमने खुद को कुर्बान कर दिया था मुझ पर। आप पर मेरी जान कुर्बान है अर्तुरुल, सुलजान ने भी यही किया। उसके इतने बुरे सलूक के बावजूद भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मेरा दिल गवाही देता है कि उसने सच्चे दिल से तौबा की है। आखिर उसकी परवरिश बाबा और वालिदा ने की है। टाइटस पीछे हटने वाला नहीं है अर्तुरुल, वो अपने भाई के इंतकाम में इतना अंधा है कि मासूम बच्चे की जान लेने से भी बाज ना आया। नफरत की आग में अंधा है वो, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शता। और मुझे खदशा है कि कहीं हमला ना कर दे आप पर भी। मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझ तक आए ताकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊं। वो आएगा, मुझे पूरा यकीन है। अफसुर्दा ना होना कि हमारी शादी के रोज ही वाकया हुआ। आप जिस दिन घर लौटेंगे वही दिन हमारी शादी का होगा। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा अर्तुरुल। मेरी दुआ है कि आप सरफराज लौटे, सूरज की किरणें आप पर गिराना गुजरे, ठंड से महफूज रहे आप, हवा के घोड़े पर जाएं और जल्द वापस आए।
दो जांबाज उन झाड़ियों के पीछे भी खड़े करो। सबसे पहले वो हमला करेंगे, उसके बाद तीर अंदाज हमला करेंगे सिपाहियों पर। कोई गलती नहीं। ये तुम ही हो जिसने हमें बताया कि कबीले की हयात में सिर्फ खाना बदोशी नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम्हारे कंधों पर होगी कबीले की जिम्मेदारी। बाबा, आपको तन्हा अंदर जाना है। आप साथ क्यों नहीं चलेंगे अफजल पाशा? ये मर्तबा मुझे हासिल नहीं है।